सामान लाने में, कोई बाहर का बुआ खाना बनाने में, सब बिजी हैं। मतलब पूरा माहौल इधर से तहस नहस हो रखा है। अब ये टाइम ऐसा है ना, काम में सब बिजी हैं पर खुश कोई नहीं है। अब मुझे काम दिया गया कि जा मोटी के कमरे से जा और कुछ देख, जरूरी काम है तो पूछ लो उसे क्या चाहिए। मैं अंदर गया तो मैंने देखा माँ मोटी की आंखों पे काजल लगा रही थी और मोटी की आंखें बंद थी। बाय गॉड बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, मतलब इतनी खूबसूरत ना, तो आज मन किया कि यार कुछ भी कहो है मोटी सुंदर तो है, थोड़ी सी पर है। बाहर आया, अब ऐसे काम के घर में ना भाइयों की रेड लगी रहती है, एक भी आदमी वो खाली नहीं मिल सकता। खाली मिल गया तो समझ लीजिए तलवार आपके गले पर, और ये बातें आज नहीं जीवन भर आपको सुनाई जाएंगी। आपकी शादी में भी बोला जाएगा कोई काम नहीं करता, लड़की वालों को बोला जाएगा कोई काम नहीं करता। तो अब यही माहौल चल रहा है, बुआ खाना बना रही है। अब कुछ टाइम बाद मोटी के कमरे का दरवाजा खुला है, मोटी बाहर आई। अब मोटी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी कोरोना के कारण में, बड़ा वो पुरानी बात हो चुकी है। अब बाहर मोटी आई है, उसकी आंखें बंद हैं और घर में चीखें कूंच रही हैं। सब चाहते हैं आज मोटी ना जाए, आज हमारे पास, आज क्या हमेशा मेरे पास रहे। मैं भी चाहता हूं एक बार उसका फेवरेट गाना कह दूं, लगे जा गले से फिर ये हसी रात हो ना हो। 30 सेकंड ले लो हंस लो, क्योंकि मोटी को भी मेरी आवाज पसंद नहीं थी। अब एक तो इंडियन सिनेमा ना बहुत बेकार है, अब मोटी की भी जिद थी कि सारे के सारे भाई उसे कंधे पे लेके जाएंगे। अब हम सारे भाइयों ने उसकी डोली अपने कंधे पे रखी, हम उसको उसकी मंजिल तक ले गए और उसकी आखिरी विदाई पापा ने उसके शरीर को अग्नि देके की है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हमारे देश में कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की है। नेताओं के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। एक बात सुनी है बहरे ने जो एक गूंगे ने बोली थी, एक बात सुनी है बहरे ने जो एक गूंगे ने बोली थी, वो भाग उठा वो लंगड़ा चला, आंखें लेने खोली थी। कुछ बात नहीं इन बातों में, इन बात को ऐसी होनी है, ये नेताओं के बातें हैं, इनकी होनी ही अनहोनी।